सब्सक्राइब कीजिए हमारे बिघट इंडिया चैनल को और घंटी के आइकन को दबाकर सबसे पहले कृषि संबंधी वीडियो को देखें। अरे वो विट्ठल के घर का सुना? नहीं तो क्या हुआ? अरे उसके घर में ना, भाई भीमा भूलना मत, इस बार भी तुम्हारी मिर्च की फसल मैं ही खरीदूंगा, सारी की सारी। बाजार तक जाने का कष्ट ही ना करना, मेरा ट्रक आ जाएगा। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एडवांस बुकिंग। ठीक है, इस बार भी मैं आप ही को बेचूंगा। भाई क्या बात है, फसल बोए हुए सिर्फ 43 दिन हुए, अभी तो फूल ही निकले हैं और तुम्हारी फसल अभी से बिकने लगी। अपनी मिर्च की क्वालिटी बहुत बढ़िया थी, इसीलिए अच्छे दाम देकर एडवांस बुकिंग कर रहा है। काश मेरी भी ऐसी होती। क्या है रहस्य, राज क्या है? रहस्य राज? हाँ हाँ बता भी दो। खाद में कोई जड़ी बूटी मिलाते हो? नहीं तो? तो फिर कोई मंत्र, कोई विशेष पूजा? अरे नहीं भाई। कोई जादू टोना, तावीज? नहीं नहीं मेरे दोस्त। पक्का किसी बाबा का वरदान मिला होगा? अरे कुछ नहीं भाई, मैं इस्तेमाल करता हूँ डाओ एग्रो साइंसेस का कीटनाशक डेलीगेट। बस अब 2 दिन में पहला छिड़काव कर दूंगा इसका। डेलीगेट? हाँ हाँ डेलीगेट, दुनिया का सबसे असरदार कीटनाशक। ऐसी क्या बात है? मेरे प्यारे दोस्त, डेलीगेट देता है एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 3 फायदे। एक तो ये सभी प्रमुख प्रकार के थ्रिप्स और इल्लियों से सुरक्षा देता है। दूसरा ये कि इसका असर काफी दिनों तक बना रहता है, अन्य कीटनाशकों से कहीं ज्यादा। और तीसरा ये फसल को स्वस्थ बनाकर उत्पादन बढ़ाने में सहयोग देता है, और तो और ये सही समय पर इस्तेमाल करने से बढ़िया काम करता है। तुम्हारा मतलब जिस समय फूल खिलते हैं और फल बनते हैं? हाँ मेरे दोस्त, फूल खिलते और फलते समय। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी बताओ डेलीगेट कैसे काम करता है। बिल्कुल बताऊंगा। देखो, रुबाई के बाद मिर्च का पौधा धीरे धीरे बढ़ता है और 45 से 50 दिनों के बाद उस पर फूल और फल लगने शुरू हो जाते हैं। अब तुम्हें तो पता ही है रुपाई के बाद के 50 से 100 दिन मिर्च की फसल के लिए कितने मायने रखते हैं। ऐसी नाजुक स्थितियों में मिर्च में थ्रिप्स और अन्य इल्लियां ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे रोशनी की तरफ पतंगे। फसल के इन्हीं दिनों में फूल और फल को सुरक्षित रखोगे तो फसल बढ़िया होगी। अगर हम इन कीटों का नाश नहीं करेंगे तो फसल को बहुत नुकसान होगा। फसल की इन्हीं स्थितियों में डेलीगेट अपना जादू दिखाता है। डेलीगेट इस्तेमाल करने के कुछ ही देर में ये मिर्च के पत्तों के कोने कोने में, खास करके उनके निचले हिस्सों तक पहुंचता है और वहीं छिपे थ्रिप्स को मार गिराता है। ये थ्रिप्स और हर तरह की इल्लियों को खाने की क्षमता को भी रोक देता है। इल्लियों को खत्म करने के लिए डेलीगेट उन पर पड़ते ही अपना असर तो दिखाता ही है, साथ ही साथ उपचारित पत्तों को खाने के बाद पेट में जाकर अपना काम पूरा करता है। इतना सब कुछ करना किसी और कीटनाशक के बस की बात नहीं है, इसीलिए तो डेलीगेट को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कीटनाशक कहा जाता है। भीमा, डेलीगेट कीटों को तो मार गिराता है, लेकिन क्या ये हमें भी कुछ? बिल्कुल नहीं, ये हमारे और अन्य प्राणियों के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। इसे इसी वजह से ग्रीन केमिस्ट्री पुरस्कार तक मिला है। भाई वाह, मतलब डेलीगेट फूल खिलते और फलते समय हर प्रकार के कीटों से सुरक्षा देता है, इसका असर ज्यादा दिनों तक बना रहता है, फसल को स्वस्थ बनाता है, और तो और हमारे और पर्यावरण के लिए सुरक्षित भी है। भाई मैं चला, राम राम, फिर मिलेंगे। ऐसा क्या हो गया मेरे दोस्त? अरे ये कैसा सवाल है, 2 दिन में पहला छिड़काव है भैया, मैं चला दुकान डेलीगेट खरीदने। शाबाश, ये हुई ना समझदारी की बात। पर याद रखना, डेलीगेट का पहला छिड़काव 45 से 60 दिनों के दौरान और डेलीगेट का दूसरा छिड़काव करीब करीब 75 से 90 दिनों की अवस्था में करना चाहिए। डेलीगेट की मात्रा 180 मिलीलीटर प्रति एकड़ और छिड़काव के लिए 200 लीटर पानी का उपयोग करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी फसल का उत्पादन बढ़िया हो सकता है। और हाँ, डेलीगेट का उपयोग करते समय कुछ सावधानियां बरतनी भी जरूरी है, जैसे कि सुझाई गई मात्रा का इस्तेमाल करें, पूरे पौधों पर छिड़काव करें, कीटों की शुरुआती अवस्था को लक्ष्य करें, इस्तेमाल करने से पहले बोतल को अच्छी तरह हिलाएं, इसे किसी दूसरे रसायन के साथ न मिलाएं। डेलीगेट के 2 प्रयोग के अंतराल में स्पिनोसेट को छोड़कर दूसरे रसायन का इस्तेमाल करें। आप भी डेलीगेट की 3 खुशियां अपनाओ और ज्यादा फायदों के आदि हो जाओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बिघट इंडिया चैनल को।